अभी तो जब पूरा आयोग गठित होगा उसके बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। कुछ नए लोग भी होंगे, कुछ पुराने लोग भी होंगे। सर, क्या हमारे नए साल में नौकरी का पिटारा और खुलेगा? अभी तो जैसे अभी 1500 पोस्ट का टेस्ट पायलट बेस पे टेस्ट होगा, उसके बाद जो भी हमारे पास यहाँ पेंडिंग है, जो कुछ रिजल्ट्स के लिए पेंडिंग है, वो भी क्लियर करना है। नए सिरे से भर्ती कैसे कैसे हो सकती है, तो अभी काफ़ी कुछ अभी सरकारी स्तर पर भी निर्णय लिए जाने हैं। उसके बाद ही इसमें आगे जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। अभी तक तो जो मैं वही कह रहा हूँ, कुछ निर्णय जो है अभी सरकारी स्तर पर लिए जाने हैं। जो सानंद साहब की कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसके बाद तो सारा सिस्टम जो है वो आउटसोर्स ही होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेके डेक्लेरेशन और जाएगा। लेकिन फाइनल जो तब होगा जब पूरी इसमें मोहर लग जाएगी, पूरा राज्य चयन आयोग बन जाएगा, हमारे रूल ऑफ बिजनेस बन जाएंगे। उसके बाद ही फाइनल होगी इसमें क्या क्या उसकी कमेटी की रिकमेंडेशन है, कौन कौन सी लागू होगी। इसमें जो अभी एग्ज़ाम होने हैं उसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने कल अनाउंस किया था, जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है उसकी पोस्टें अभी भरी जानी है। तो अब सारा जो सिस्टम है हमारा कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा, तो पायलट बेस पे ये पोस्टें अभी भरने की प्रक्रिया जारी है। आने वाले टाइम में आयोग की ट्रांसपेरेंसी कैसे हो, क्रेडिबिलिटी कैसे हो, लोगों को लगे कि जो हमने अप्लाई किया है मेरिटोरियस बच्चे ही सिलेक्ट हों, इसके लिए पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो राज्य चयन आयोग का जो बाकी मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, उनका गठन होना है। तब तक जो भी इसमें सुचारू रूप से आयोग कैसे काम कर सकता है ताकि इसमें किसी भी तरह की कोई ऐसी दिक्कत ना हो, जो कैंडिडेट्स हैं उनका विश्वास रहे कि जो भी ये प्रक्रिया है तो बिल्कुल दुरुस्त होगी, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो अभी एग्ज़ाम होने हैं उसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने कल अनाउंस किया था, जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है उसकी पोस्टें अभी भरी जानी है। तो अब सारा जो सिस्टम है हमारा कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा, तो पायलट बेस पे ये पोस्टें अभी भरने की प्रक्रिया जारी है। आने वाले टाइम में आयोग की ट्रांसपेरेंसी कैसे हो, क्रेडिबिलिटी कैसे हो, लोगों को लगे कि जो हमने अप्लाई किया है मेरिटोरियस बच्चे ही सिलेक्ट हों, इसके लिए पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो राज्य चयन आयोग का जो बाकी मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, उनका गठन होना है। तब तक जो भी इसमें सुचारू रूप से आयोग कैसे काम कर सकता है ताकि इसमें किसी भी तरह की कोई ऐसी दिक्कत ना हो, जो कैंडिडेट्स हैं उनका विश्वास रहे कि जो भी ये प्रक्रिया है तो बिल्कुल दुरुस्त होगी, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।